हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 10 प्रेजेंट टेंस क्लियर करूंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है। वर्तमान का जो काम अब करते हैं, जो समय अब चल रहा है, वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। अगर सबसे पहले हमने यहाँ पर सब्जेक्ट देखना होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज किया है। अब यहाँ माई वॉच है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ई एस का यूज करेंगे। अगर हमारा यहाँ, तो आगे हम इसकी एक्सरसाइज फिल करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए आई आई के साथ हमने वेक का ही यूज किया है, क्योंकि आई हमारा प्लूरल में माना जाता है। आई वेक अप एट 6 AM डेली। आई के साथ कभी भी एस या ई एस का यूज नहीं होता। आई होता सिंगुलर है, बट आई के साथ कभी भी हम एस या ई एस का यूज नहीं करते। सिंगुलर होते हुए भी हमने इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। द सन, सन अब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करना। द सन सेट्स इन द वेस्ट। मिसिज नीरिमा इज अ टीचर। सी, हम मिसिज नीरिमा एक टीचर है। सी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर होकर तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करना है। सी टीच। आगे दिस इज माई कैट इट। अब यहाँ दिस इज माई कैट, ये मेरी कैट है। इट, इट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का यूज किया। इट ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, इसलिए वो डेली मिल्क दूध पीती हैं। दे आर टैक्सी ड्राइवर्स, ये वे टैक्सी ड्राइवर्स हैं। अब दे का यूज हम टू पर्संस या टू से ज़्यादा हो तब यूज करते हैं। तो ये हमारा दे प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। दे ड्राइव टैक्सीज ऑल ओवर द टाउन। आगे डॉग्स, डॉग्स हमारा अब ज़्यादा है, तो क्योंकि यहाँ पर डॉग्स का यूज हुआ है, डॉग्स प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। वी आर बास्केटबॉल प्लेयर्स, हम बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। वी अब हम की बात हुई, हम मीन्स बहुत जने हैं, हम बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, तो वी है, वी हमारे ज़्यादा के लिए यूज हुआ है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया है। वी प्ले बास्केटबॉल एवरी डे, हम बास्केटबॉल डेली खेलते हैं। रोशन इज अ बेकर, अब यहाँ पर एक ही पर्सन की बात हुई है, ही हमारा सिंगुलर है, तो हमने यूजुअल के अकॉर्डिंग नहीं फिल करना, ही के अकॉर्डिंग फिल करना है। ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करेंगे। ही हमारा पहले ही लिखा हुआ है। ही बेक्स बर्थडे केक्स। आगे देखिए, अब जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमें करेक्ट करना है और दोबारा लिखना है। दिस बुक बिलोंग टू मी, दिस बुक, अब दिस बुक है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का यूज करना है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। द चिल्ड्रन गोज टू स्लीप बाय 9 o'clock। अब चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। द चिल्ड्रन गो टू स्लीप बाय 9 o'clock। आगे देखिए आरिफ एंड आकृति, अब टू पर्सन की बात हुई है, जब टू पर्सन हो तो प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ पर लाइक आएगा, टू ईट नूडल्स। आगे देखिए आई, आई के साथ मैंने बोला था डू नॉट का या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आई डोंट प्ले फुटबॉल। मिसिज सेन, अब मिसिज सेन सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करना है। मिसिज सेन वर्क्स इन दिस ऑफिस। मिस्टर सुनील, मिस्टर सुनील सिंगुलर है, इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। मिसिज सुनील गोज फॉर अ वर्क एवरी इवनिंग। आगे देखिए हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, जो समय इस टाइम चल रहा है कॉन्टिन्यूस, जैसे इट इज रेनिंग, इस टाइम बारिश, बहुत भारी बारिश हो रही है। जब हम इसकी हिंदी करेंगे तो रहा है, रही है, रहे थे, रहे हैं, तो
इसकी राह में हिंदी बनेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके हेल्पिंग वर्ब होंगी इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आई एन जी को यूज करना है। सिंगुलर के साथ इज का, आई के साथ एम का, प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज करेंगे हम। देखिए अ कैट एक बिल्ली, अब अ कैट हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस फिल करना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज करना है और इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। अ कैट इज हाइडिंग, अब यहाँ पर ई था जिसके एंडिंग में ई होगा हमने ई नहीं यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जहाँ ई होगा वहाँ हमने ई को काटना है और आई एन जी लगाना है। अ कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, अब चारू, चारू हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज का यूज होगा और कॉम का कॉम्बिंग हर हेयर, चारू अपने हेयर कॉम्बिंग कर रही है। वी मस्ट रस्ट नाउ एज इट, इट के साथ इज का यूज होगा क्योंकि इट हमारा सिंगुलर है। कैट का गैटिंग क्योंकि लास्ट डिजिट से पहले हमारा वोवल है, अगर लास्ट डिजिट से पहले वोवल आएगा ए ई आई ओ तो हमने जो लास्ट में डिजिट होगा उसको डबल करना है, लास्ट में जो अल्फाबेट होगा उसको डबल करना है। इज गैटिंग लेट, रूबिनास मदर इज कुकिंग लंच, अब यहाँ पर रूबीना मदर्स, रूबीना की मदर की बात हो रही है जो कि सिंगुलर है, मदर की बात हो रही है। इज कुकिंग लंच एंड रूबीना इज हेल्पिंग हर, रूबीना सिंगुलर है इसलिए इज का यूज हुआ है, इज हेल्पिंग हर, रूबीना की मदर खाना बना रही है और रूबीना उसकी हेल्प कर रही है, अपनी मम्मी की हेल्प कर रही है। द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन यहाँ ज़्यादा हैं बच्चे, अगर चाइल्ड होता तो इज होता, चिल्ड्रन है तो आर होगा। द चिल्ड्रन आर इंजॉइंग, इंजॉय के साथ आई एन जी का यूज करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी बच्चे आर वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम, सभी बच्चे एग्जाम्स के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हैं इसलिए आर वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम्स। द नोटी चाइल्ड, अब जो शरारती बच्चा है, अब यहाँ पर चाइल्ड आया है तो ये सिंगुलर है, जो शरारती बच्चा है इज राइटिंग ऑन द वॉल, वो दीवार पर लिख रहा है, दो चाइल्ड के लिए हमने इज का यूज करना है राइट का, अब इसके पीछे ई था ई को हटा के हमने आई एन जी, द चाइल्ड इज राइटिंग ऑन द वॉल। द डॉक्टर, डॉक्टर हमारा सिंगुलर है इसलिए ई का इज का यूज होगा, अब इसके पीछे एन ई है, ई नहीं लगाना हमने आई एन जी लगाना है। ओके, इस वर्ब के एंडिंग में ई आएगी वहाँ पर हमने ई का यूज नहीं करना, आई एन जी लगाना है। ओके, आगे जो सेंटेंस दिए हुए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं और उनको हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना और दोबारा लिखना है। अब हमारा ये दिया हुआ है रितु फीड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है। रितु सिंगुलर है, रितु इज फीडिंग हर पैट डॉग। मिस्टर हेमंत इज चॉपिंग द वेजिटेबल, मिस्टर हेमंत सिंगुलर है इसलिए इज का यूज होगा। द टीचर, टीचर सिंगुलर है, इज स्माइलिंग एट सर्वन। कृपाल इज हेल्पिंग फैजा विद हर होमवर्क, अब यहाँ पर कृपाल है वो सिंगुलर है इसलिए इज हेल्पिंग होगा, हेल्प्स का हमने इसको हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस में चेंज करना है, इज हेल्पिंग। सृष्टि इज प्लेइंग टेनिस विद हर फ्रेंड्स। आई, आई के साथ हमने एम का यूज करना होता है, आई एम गोइंग टू द टेम्पल नियर माई हाउस। गुडलिन, अब हमारे सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर हैज का यूज करना है, हैज मीट हर टीचर। दे हमारा प्लूरल है इसलिए हमने हैव का यूज करना है। डू, डू की थर्ड फॉर्म होती है डू डिड डन, दे हैव डन देयर होमवर्क कम्प्लीटली। आगे देखो मृदुल सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे, वाटर की थर्ड फॉर्म होगी वाटर्ड प्लांट्स इन द गार्डन, मृदुल हैज वाटर्ड प्लांट्स इन द गार्डन। ओके, हैव अ नाइस डे।